नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पे। दोस्तों, आप लोग की वीडियो री एग्जाम के लिए चल रही है प्रैक्टिस सेट। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बारी। हम लोग ने अब तक 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हिंदी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आ जा रहे हैं, जिसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आपके वीडियो री एग्जाम में बनेंगे या फिर अन्य किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही क्वेश्चन ले आए जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द है। विलोम, पर्यायवाची, ये सब अच्छे से पूछेगा, ठीक है। देखिए हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, ये सब पूछता ही पूछता है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़िएगा। अब पूछ रहा है निर्दय का विलोम शब्द क्या है, तो बताइएगा दयालु, सहज, सदय या फिर समय। तो निर्दय, निर्दय का विलोम होता है सदय। क्या होता है? सदय। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ सही है, निर्दय का क्या विलोम होता है? सदय। बाकी दयालु, सहत और समय, ये सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा है बिजली। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों। बताइएगा वितुंडा, चंचला, दामिनी या फिर तड़ित। तो दोस्तों चंचला, दामिनी और तड़ित, ये सब किसकी बिजली के आपकी पर्यायवाची होती है। लेकिन वितुंडा, वितुंडा किसका है? हाथी का है। किसका? हाथी का। याद रखिएगा वितुंडा पर्यायवाची हाथी का। हाथी के अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो गज, मतंग, कुंजर, ये सब किसके? आपके हाथी के पर्यायवाची, ठीक है। तो याद रखिएगा वितुंडा किसका पर्यायवाची? हाथी का है। तो यहाँ बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं होगा आपका? वितुंडा। और बिजली के अन्य हो गया था चंचला, दामिनी, स्वदामिनी, इंद्रवज्जा, तड़ित, ये सब किसका है? बिजली का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर यहाँ बताना नहीं पूछा है दोस्तों। गगन, अंबर, नभ, अग्नि। तो दोस्तों गगन, अंबर, नभ और साथ में व्योम, अनंत, शून्य, ये सब किसका है? आकाश का होता है। लेकिन अवनी, अवनी किसका पर्यायवाची होता है? आपका धरा, धरती, धरा, धरती, भू, इला, मही, ठीक है। ये सब किसका है? आपका धरती का पर्यायवाची है। यानी अवनी आपका किसका पर्यायवाची है? धरती, यानी यही आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये सब किसके हैं? धरती के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यमुना। यमुना का पर्यायवाची है, बताइएगा कौन सा है? देवपगा, भागीरथी, कालिंदी, यामिनी। तो दोस्तों देवपगा भागीरथी, देवपगा भागीरथी आपके किसके है? गंगा की पर्यायवाची। किसकी? गंगा। साथ में गंगा की पूछा जाए तो देव नदी, सुर सरिता, देव नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब किसके? ये सब गंगा के पर्यायवाची। लेकिन इसमें कालिंदी, कालिंदी आपका किसका? यमुना का पर्यायवाची है। रवि तनया, साथ में और देखिए रवि तनया, अर्कजा, तरणी, तटजा, ये सब किसके? ये सब आपके तरणी, तटजा और ये सब आपकी यमुना की पर्यायवाची, ठीक है। याद रखिएगा यम भगनी, यम भगनी भी कहा जाता है इसको। ये सब आपकी यमुना की पर्यायवाची है। अब बात की जाए यामिनी, यामिनी आपकी रात की, यानी निशा, विभावरी, रात, ये सब आपकी किसकी है? यामिनी की पर्यायवाची है। तो यहाँ पे पूछा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा है, तो कालिंदी, कालिंदी किसका है? यमुना का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है? गोधूम। गोधूम का तद्भव है, ठीक है। तद्भव बताना है क्या होता है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो दोस्तों गोधूम, गोधूम किसे कहते हैं? इसका तद्भव क्या है तो बताइए? इसका तद्भव होता है गेहूं, यानी गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। और गोधूम का तद्भव पूछे तो याद रखेगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। गाय का क्या होता है? गौ होता है तत्सम, ठीक है। गोबर का गोमय, ठीक है, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ गोधूम का क्या होता है तद्भव? गेहूं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अकाल, अकाल पीड़ित में समास होगा, बताइए अकाल पीड़ित में क्या समास होगा? कर्मधारय, द्वंद, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो अकाल पीड़ित, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित, अकाल से
से पीड़ित। तो यहाँ पे देखिए इससे, यहाँ पे विभक्ति का लोप है, से विभक्ति का लोप है, और से विभक्ति विग्रह करने पे से विभक्ति पाए जाना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ये आपके करण तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष आ रहा है? करण तत्पुरुष समास। तो अगर आपसे ज्यादा पूछे तो आप बताएंगे करण तत्पुरुष, यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ तत्पुरुष दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है, द्वंद में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि जहाँ दो पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि होता है। लेकिन तत्पुरुष में क्या होता है? आपकी विभक्तियों का लोप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। शोका कुल में समास है, शोका कुल में क्या समास है? देखिए यहाँ पे भी आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शोक से आकुल, शोक से आकुल, यहाँ भी आपका करण तत्पुरुष ही होगा, तो शोक से आकुल यानी यहाँ भी आपका तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। पहले तो देखिए उज्ज्वल यहाँ शुद्ध नहीं लिखा, उज्ज्वल कैसे लिखाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखाता है ना। अब इसका संधि पूछा है, तो आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उत, उत धन ज्वल, यहाँ त का ज में परिवर्तन होता है, तो उत धन ज्वल हो जा रहा है। ठीक है, जब तो उस यहाँ पे त का ज में परिवर्तन होता है, तो यहाँ आपका कौन सा संधि? व्यंजन संधि। किस संधि के अंतर्गत आता है? व्यंजन संधि में आता है, बाकी गुण दीर्घ और विसर्ग ये तीनों असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा, कौन सी संधि उज्ज्वल में? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्धि, शुद्ध शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, तो अगर हम इसका करेंगे संधि विच्छेद तो अनुधन एसड़ क्या हो जाएगा? अनुधन एसड़, यहाँ ऊ धन ए मिला के क्या बन रहा है? वे बन रहा है। ठीक है, और जहां ऐसे आधे वाले आते हैं अ व य आता है, तो वहां क्या होता है? व य आता है, तो वहां आपका संधि होती है आपकी यड़ संधि, और इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन, अनुधन एसड़, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुधन एसड़, बाकी अनुधन एसड़ ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनुधन एसड़ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। उबटन, उबटन शब्द का तत्सम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है उबटन का तत्सम बताइए। ठीक है, बताना है बताइए। ऊर्ध्वतन, उपलेपन, या फिर उपलेपन, या फिर उर्ध्वतर्तन। ठीक है, तो उर्ध्वतर्तन होता है जो इसका, उद्धर्तन नहीं होता, नहीं उपलेपन होता, नहीं उपलेपन, क्या होता है? उर्ध्वतर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है, उर्ध्वतर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये वाली मात्रा यहाँ आती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो उबटन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खटास, खटास में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? आस, टास, अस, अटास, तो खटास। ठीक है, खटास में कौन सा प्रत्यय है? जब खटास में से हम आस निकालेंगे तो यहाँ प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? खटास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, खटास में कौन सा प्रत्यय? आस प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उग्र शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, उग्र का विलोम बताना है। क्रोधी, कपटी, सौम्य, निष्ठुर, तो दोस्तों क्रोधी अक्रोधी हो जाएगा। ठीक है, इसमें उग्र का पूछा है, तो उग्र का आपका सौम्य, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र, उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा विलोम, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, निष्ठुर का दयालु आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बरसात के 4 महीने को कहा जाता है, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सावन, वो तो बरसात के पूरे महीने को सावन जब आता है कहते हैं, हरित मास, पावस, या फिर चातुर्मास। तो बरसात के 4 महीने, देखिए 4 लगाए ना, और 4 किसमें लगा? 4 चातुर्मास इसमें लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? चातुर्मास बरसात के 4 महीनों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? सिरमौर, चंद्रशेखर, चंद्रहास, चंद्रबदर। ठीक है, सिरमौर मतलब क्या होता है? सिर का ताज, यानी सिरमौर मतलब सिर का ताज, सिर का मुकुट, ये नहीं होगा। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची होता है, चंद्रबदन, ठीक है, चंद्र जैसा जिसका बदन हो, लेकिन जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए होता है चंद्रशेखर। क्या होता है? चंद्रशेखर है, और ये चंद्रशेखर किसके लिए प्रयुक्त होता है? शंकर जी के लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा, जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात चंद्रशेखर, अर्थात शिव भगवान जी के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं, ठीक है,
असुच अस्पर्श अपरिहत त्यक्त। तो देखिए असुच जिसकी सूचना ना दी जाए वो क्या होता है, असुच अस्पर्श ऐसे लिखा जाता है, जिस छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जाके छुआ छूत के लिए स्पर्श का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। त्यक्त जिसे त्याग दिया गया हो, त्यागा गया चीज त्यक्त होता है, ठीक है। लेकिन जिस वस्त्र को पहना ना गया उसके लिए होता अप्रहत, क्या होता है अप्रहत, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही जगह अप्रहत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो पर्वतों के बीच की भूमि कहलाती है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका द्रोण घाटी बेसिन। तो दोस्तों दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, वो घाटी कहलाती है, क्या कहलाती है घाटी, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ घाटी सही होगा। उपत्यका, बहुत लोग को कंफ्यूज होंगे उपत्यका, उपत्यका कहते हैं पर्वतों के नीचे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पर्वतों के नीचे तलहटी की भूमि जो होती है उसे कहते हैं, नीचे के तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं, ठीक है। और जब दो पर्वतों के बीच की भूमि कहे तो उसे घाटी बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपत्यका किसे कहते हैं, पर्वतों के नीचे तलहटी, जो तलहटी पाई जाती है उस भूमि को हम क्या कहते हैं, उपत्यका। यहाँ क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, डकैत, डकैत में प्रत्यय शब्द है, हमें डकैत में प्रत्यय शब्द बताना है। तो देखिए एत एत कैत त, तो देखिए यहाँ पे डकैत में डबल मात्रा जुड़ी हुई है तो यहाँ एत प्रत्यय कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एत प्रत्यय, ठीक है, डकैत में एत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, खुशी में प्रत्यय शब्द है, खुशी में कौन सा है, सी ई या फिर बड़ी ई होगा या फिर ये, तो खुशी देखिए खुश धन ई क्या हो जाएगा, खुश धन ई बराबर क्या होता है, खुशी। तो यहाँ पे आपका बड़ी यानी प्रत्यय क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, खुशी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसिया, रसिया में प्रत्यय शब्द है, रसिया में कौन सा है, इया या फिर या फिर इया या फिर सिया। तो दोस्तों रस धन इया, ठीक है, यहाँ छोटी मात्रा जुड़ी है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका इया प्रत्यय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण, उच्चारण में उपसर्ग है, उच्चारण को अगर आप तोड़ेंगे तो ये आता है उत धन चारण, ठीक है, व्यंजन संधि आती है उसमें, और साथ में यहां जगह अगर आप जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग का जो जुड़ रहा है यही आपका उत, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जाएगा। उत क्या है इसमें, प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी उत उपसर्ग है उच्चारण में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नास्तिक में उपसर्ग शब्द है, नास्तिक में क्या है, न नी ना या निस, तो नास्तिक जब आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, न धन आस्तिक, न धन आस्तिक बराबर नास्तिक, ठीक है, तो आपको क्या उपसर्ग मिलेगा, न, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है, न धन आस्तिक बराबर नास्तिक। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नति में उपसर्ग है, ठीक है, फिर उन्नति में उपसर्ग पूछा है, उन धन देखिए उन है या फिर उत है, उन है या फिर अति है, तो उन्नति अगर आप इसका भी तोड़ेंगे तो क्या होता है, उत धन नति होता है, ठीक है, तो उन्नति में अगर आपको उपसर्ग पूछे तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत उपसर्ग हुआ, ठीक है, उत धन्नति यानी उन्नति। अगला क्वेश्चन देखिए, उपेक्षा में कौन सी संधि है, उपेक्षा में, ठीक है, इसका संधि विच्छेद पहले हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उपधन इच्छा, उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा। अब आप यहां देखेंगे यहां से क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है आपको, और यहां से क्या मिल रहा है, बड़ी, और ये दोनों मिला के क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो जहां पे आपका ए ओ अर आता है वहां पे कौन सी संधि होती है, गुड़ संधि होती है, याद रखिए जहां पे भी आपको कौन से वर्ड संधि वर्ड मिलेंगे, ए ओ अर मिलेंगे वहां पे गुड़ संधि होगी। तो यहाँ देखिए क्या दिया ऑप्शन, गुड़ यड़ अयादि विसर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गुड़ संधि ही सही हो जाएगी, उपेक्षा में कौन सी संधि होगी, गुड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कविश्वर, कविश्वर में कौन सी संधि है, ठीक है, हमें कविश्वर में संधि बतानी है, फिर से अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, कवि धन ईश्वर, ठीक है, अब यहां अगर हम संधि वर्ण निकालें यहां से निकलेगा छोटी और यहां से निकल रहा है बड़ी, और दोनों मिला के क्या बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, आपके संधि वर्ड किसके हो रहे, बड़ी, यानी जब दो वर्ड मिलकर हमेशा दीर्घ होते हैं तो कौन सा संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, ठीक है, यहाँ दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दीर्घ संधि का निर्माण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि सही हो जाएगी, कविश्वर में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि, बाकी तीनों आपकी
नहीं होगी, ठीक है। अक्षर में कौन सी संधि, याद रखिएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, संकल्प में कौन सी संधि है, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि। संकल्प इसको अगर आप देखेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होता है, समधनकल्प, समधनकल्प। यहाँ जो पंचमाक्षर होता है उसका अनुस्वार में परिवर्तन होता है, जो आपका पांचवा अक्षर होता है उसको हम अनुस्वार में परिवर्तन करते हैं, और ये आपका नियम है व्यंजन संधि का। किसका, व्यंजन संधि का है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका व्यंजन संधि सही हो जाएगा। संकल्प में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निरंतर, निरंतर का संधि विच्छेद है, निर्धन अंतर, निधन अंतर, निर्धन अंतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम निरंतर का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है निधन अंतर। क्या होता है, निधन अंतर। यहाँ पे अ या आ के पहले कोई भी मात्रा आती है तो उसका विसर्ग, विसर्ग और उसके बाद विसर्ग रहता है तो उसका र में परिवर्तन होता है। किसमें, र में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निधन अंतर, यानी इसमें विसर्ग और संधि पूछे तो विसर्ग संधि पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है निरंतर, जैसे दुर्दशा हो गया, ये सब किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो निरंतर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, विसर्ग संधि यानी निधन अंतर, यहाँ पे सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। पेड़ से बंदर कूदा, जब कोई चीज किसी से अलगाव को दिखाती है, ठीक है, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, दूर जा रही है, वहां पे हमेशा किस चीज का रहता है, अपादान कारक रहता है, ठीक है। इसका भी आपका से रहता है, क्या रहता है, जो चिन्ह रहता है से होता है। करण, करण में भी से रहता है, लेकिन करण में साधन के लिए युक्त होता है, लेकिन अपादान क्या होता है, जब कोई चीज किसी से अलग हो रही है, दूर जा रही है। यहाँ देखिए, पेड़ से बंदर कूद रहा है यानी पेड़ से अलग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका अपादान, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, हमें शुद्ध शब्द बताना है। नुपुर, 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 सब में नुपुर लिखा है, नुपुर कौन सा सही होगा दोस्तों, ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, नुपुर, यही आपका शुद्ध होगा, ठीक है, नुपुर ऐसे लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। अब हमें बताना है किसकी अशुद्ध है, गलत कौन लिखा है, विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी या फिर अनाधिकार। तो दोस्तों, विश्लेषण सही लिखा है, ज्योत्सना भी सही है और प्रदर्शनी भी सही है, लेकिन अनाधिकार जो है यही गलत लिखा है। ये होता है अनधिकार, होता है क्या होता है, अनधिकार, ये आपका शुद्ध होता है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें इनकरेजमेंट मिलती है दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।